पहले कौन जाएगा? हम जाएंगे और कौन जाएगा? तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे कुछ मूवीज का बज नहीं होता है, कुछ मूवीज की मतलब इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं होती है, लाइक रीच नहीं होती है। जैसे इस टाइम पर हाइप हम देख रहे हैं टाइगर थ्री की हो गई, जवान, पठान, कुछ की स्टार की वजह से होती है। उनमें जो बेस्ट स्टार होता है, जिनका चेहरा काफ़ी बड़ा होता है, लाइक सुपर स्टार शाहरुख खान, सलमान खान। लेकिन कुछ मूवीज अपने कॉन्टेंट के दम पर आगे बढ़ती हैं, जिनके पास चेहरा नहीं होता है लेकिन कॉन्टेंट इज़ द किंग, पब्लिक इज़ द किंग। पब्लिक जो है ना, वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिक जो अपना जजमेंट देती है तो जबरदस्त देती है। लाइक ट्वेल्थ फेल अभी आई थी, बहुत ही अंडररेटेड मूवी थी, जवान के टाइम पर आई थी, उसके बावजूद भी इस मूवी ने लोगों के दिलों में जगह बनाया और जबरदस्त बिजनेस करके गई है। लाइक फुकरी थ्री जवान के टाइम पर आई, वो भी अच्छा खासी कमाई करके गई है। इसी के साथ अपूर्वा मूवी अभी रिलीज हुई है कल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मूवी की लेंथ ज़्यादा नहीं है, कोई बड़े चेहरे कोई नहीं है, कास्ट भी इतनी कोई सॉलिड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी एकदम जबरदस्त आग फाड़ रही है। कंटेंट इज द किंग, पब्लिक इज द किंग, वही चीज़ की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। रन टाइम लेंथ ज़्यादा लंबी है नहीं, 1.5 घंटे की मूवी है। बहुत जल्दी तरीके से आप ऐसा लगेगा कि मूवी अभी शुरू हुई है और अभी ख़त्म भी हो चुकी है, तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन मूवी में मज़ा आ जाएगा। थ्रिलर सस्पेंस मतलब जबरदस्त तरीके से क्राइम थ्रिलर सस्पेंस होता है, वो फाड़ के मिलने वाला है आपको। कास्ट इज सुपर सुपर अमेजिंग, स्पेशली राजपाल यादव का ऐसा कैरेक्टर, मतलब राजपाल यादव को हमने नेगेटिव कैरेक्टर में देखा था, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले फनी चीज़ घुसेड़ के रख देते हैं। लाइक हमने डॉन भी देखे थे, उनका छोटा डॉन, लेकिन उन्होंने फनी चीज़ घुसेड़ दिया था। इस टाइम पर यह बंदा बिल्कुल सीरियस नेगेटिव टिपिकल रोल है, जो एक बार के लिए ब्रुटैलिटी की हद भी पार करते नजर आएंगे। अभिषेक बैनर्जी, ये तो आप जानते हैं इस बंदे को, एक खतरनाक एक्टर है। मतलब मिर्जापुर में जैसा हमने उस बंदे को देखा था ना, वही बंदा है यहाँ पर। देन तारा सुतारिया, मतलब ग्लैमरस है, इन्हें बहुत से हमने चिंकी पिंकी रोल में ही देखा है, उसके बावजूद भी लीड में थी ये और ज़बरदस्त काम किया है। मतलब ये लोग अपने कंधे पर इस मूवी को लेकर आए हैं और ये ज़बरदस्त मूवी राज करने वाली है। दूसरा, स्टोरी लाइन जबरदस्त है, मतलब आपको मजा आ जाएगा कैसे वो खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल थ्रिलर है। तारा सुतारिया को उठा लिया जाता है बीच में से, देन उसका रेप करते हैं, देन उसको बचाया जाता है। वो अपने बचाने के लिए मतलब कैसे कैसे हथकंडे अपनाएगी, वो चीज़ आपको देखने में मजा आएगा। मतलब एक टाइप से सस्पेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, देन उसके बाद जो म्यूजिक और भी ज़्यादा वो गूज़बम्स उठाएगा, कभी सस्पेंस उठाएगा, एक बार के लिए थोड़ा सा छोटा मोटा इमोशन भी लाएगा। तो ये जब सब चीज़ें ऑन द स्पॉट होते नजर आएंगी आपको, तो आपको मज़ा आ जाएगा। दूसरा यार, कि लास्ट टाइम पे आपको कहानी थोड़ा प्रिडिक्टेबल होने लग जाएगी, क्योंकि ऐसे कंटेंट सिर्फ मार्केट में एक ही नहीं है, इसमें बहुत सी मूवीज हम पहले भी देखते आ चुके हैं। दैट्स वाई कि हमारा जो माइंड है वो चीज़ कैच करने लग जाता है और वो एक बार के लिए आपको प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि अब ऐसा होने वाला है और एज इट इज हो भी जाता है। बाकी हाँ, थ्रिल एक बार के लिए बहुत ज़बरदस्त है और उसके बाद जो म्यूजिक और BGM का यूज करा गया है वो आपको कसम से फाड़ के रख देगा एक बार के लिए। दूसरा, जब ट्रेलर आया था तो देखकर लग रहा था कि इसमें वल्गर सीन्स भी होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर में वो उठाना, उसके बाद जो 4-5 जने हैं ब्रुटैलिटी से एक गैंगरेप का हिसाब किताब बैठाना, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वल्गर सीन्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वल्गैरिटी कहीं पर भी नहीं है। हाँ, एक आध बार के लिए आपको गाली गलौज मिल सकती है, जो आई थिंक आज के टाइम पर OTT प्लेटफॉर्म जैसे चीज़ों के लिए एक बार के लिए नॉर्मल है। तो ओवरऑल मूवी दमदार है, ज़बरदस्त है। मतलब इस साल अगर आप एक्शन वगैरह ये सब चीज़ें देखकर बोर हो गए तो एक बार सस्पेंस थ्रिलर मूवी में भी ट्राई करें। अपूर्वा दमदार है, आपको टाइम तो वेस्ट नहीं जाएगा, पैसा वसूल मूवी है। लाइक मैं अगर इसको स्टार देना चाहूँगा तो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, मूवी दमदार है, मैंने देख ली, आप भी देखें। जय हिंद।